अस्सलाम वालेकुम, इसमें मैं एन एम ब्यूटिशन फ्राम मुल्तान। तो जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर हमारे पास हैं जी मेहंदी की जो गेस्ट मेहंदी गेस्ट होती हैं, मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने वाली थी, उन्होंने वियर की थी जो लाइट सा पर्पल शेड होता है उस कलर की साड़ी उन्होंने वेयर की थी। तो उसके साथ हम किस तरह का मेकअप करेंगे, यहाँ पर काशिश की क्लीमर गार्डन पैलर में से सेम वही शेड मैंने उठाया है जो कि लाइट सा पर्पल की शेड भी देता है और थोड़ा सा पिंक और पर्पल को मिक्स करें तो उसकी एक शेड बनती है बहुत लाइट सी, बहुत मज़े की होती है, जैसे प्याज का कलर होता है बिल्कुल लाइट वाला, वो वाला शेड था। तो जी हमने आइस पे काशिश की ग्लिमर गार्डन पैलेट में से लगा दिया है जी शेड आई लिड पे। और जी मुझे एक कमेंट आया था प्यारी सी बहन का जो कह रही थी कि आप ग्लिमर गार्डन पैलेट जिस जो आप यूज़ करती हैं काशिश की, उसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बना दें कि वो कौन सी पैलेट है और उसमें कौन कौन से शेड हैं, मतलब कि वो देखने में कैसी है और कौन सी वाली आप यूज़ करती हैं, क्योंकि काशिश की ग्लिमर गार्डन पैलेट्स की भी काफ़ी सारी वो जो है काफ़ी सारी हैं जो कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट है वो मैं बता दूं। तो इंशाल्लाह मैं शॉर्ट एक वीडियो बनाऊँगी ग्लिमर गार्डन पैलेट के ऊपर, तो आपको बताऊँगी कि वो मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने आइज़ के जो है आउटर कॉर्नर जो मैंने ब्लैक के साथ बनाया है, उसके बाद इसको मैंने ब्लेंड करने के लिए काशिश की ग्लिमर गार्डन पैलेट में से ही पर्पल सा शेड उठाया है मैंने। उसके साथ हमने इसकी हार्श लाइन को ख़त्म किया है और बहुत अच्छे से क्रीज लाइन पे हमने उसी पर्पल शेड के साथ ब्लेंडिंग कर दी है इनर कॉर्नर तक ले आते हुए। और ये लाइट और डार्क लिया है, डार्क वाला जो लिया है मैंने क्रीज लाइन को कवर करने के लिए, और दूसरा जो लाइट वाला पर्पल शेड है यहाँ पर ब्लैक की आई लिड की तरफ ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने उसकी एप्लीकेशन की है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से शेड मैंने लिए हैं। यहाँ पर एक ये डार्क वाला जो है ये ब्लू सी शेड दे रहा है पर्पल जो है, और एक लाइट वाला पर्पल लिया है मैंने। दोनों के साथ जो है हमने अपनी जो है आउटर कॉर्नर की ब्लेंडिंग कर ली है। और जी मेरी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कुछ लोग ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मेन मेन जो होता है वो मैं बता देती हूँ बीच में। तो जी यहाँ पर हमने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करना है मेरा अपना बनाया हुआ सिल्वर सा शेड है, उसके हमने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लेना है। और इसको मैंने थोड़ा सा वेट करके अप्लाई किया है, पहले मैं सील भी करती लेकिन मैंने सील करना छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर वाटर बेस की जो एप्लीकेशन करी हूँ साइड पर मैंने मैंशन कर दिया है, ये मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वाटर बेस की, आप कर मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं जो कि मून टच की बेस के साथ मैंने बेस बनाई है वाटर बेस, और वाटर बेस बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही होती, जस्ट जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो साथ साथ बता रही होती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती हैं पर्सनली जो मैं अपने पार्लर में यूज़ करती हूँ वो बताती रहती हूँ, लेकिन मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही होती, लेकिन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं बस मैं वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने लाइनर जो इस लाइनर लिया है वो लिया है जो चाइना का, और ये चाइना का बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलता है। इसको आप एक मतलब कि मार्केट में जाके कुछ भी कह सकते हैं कि चाइना का जो लाइनर जेल लाइनर है वो हमें चाहिए, तो आपको इजीली आपको यही उठा कर ही देंगे। तो जी यहाँ पर हमने डस्ट ग्लिटर भी अप्लाई किया था अपनी आई लिड पे, जो कि मैं पार्ट नहीं दिखा पाई क्योंकि जब मैं लगा रही थी तो वो क्या हुआ कि आगे मैं खुद ही आ गई, मेरा हाथ आ गया, तो लगाने का पार्ट जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, इसलिए मुझे थोड़ा सा है कि काश मैं वो भी दिखा पाती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये डस्ट ग्लिटर मैंने लिया है गैलेक्सी टच का, और उसको गैलेक्सी टच कह रही हूँ, ऑक्सी ग्लो का, और इसको मैंने जो है क्रिस्टाइन की लैशेस ग्लू के साथ जो है आई लिड पे अप्लाई किया है। पहले मैंने लैशेस ग्लू अप्लाई कर ली, उसके ऊपर मैंने हल्के हल्के हाथों से जो है ये डस्ट ग्लिटर को अप्लाई कर दिया, और इसके बाद जो जेल लाइनर है उसकी हम एप्लीकेशन करेंगे। लैशेज़ मैंने लगाई हैं, ये मैंने अली एक्सप्रेस से बाई की थी, और अली एक्सप्रेस से जो ये लैशेज़ हैं बहुत ज़बरदस्त रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं, 10 का पैक होता है जो कि आपको 550 की रेंज तक मिल जाता है, और ये 8D लैशेज़ हैं और इनका नंबर है 053। और जी यहाँ पर ट्रेंडी की जो वाइट पेंसिल मैंने ली है वो जो है मैं अक्सर वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, अगर आपको वो नहीं मिलती इजीली मार्केट से तो आप उसकी जगह फेस शीट की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वाटरप्रूफ है। और यहाँ पर जी मस्कारा लिया है मैंने बोब का मस्कारा, ये बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है, आपकी क्लाइंट की आई से या आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं पानी भी आता है आई से तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर जी क्रिस्टाइन का ही
आईब्रो कलर यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शेड है ये। और इसको हमने जो है हल्का सा ब्रश को वेट किया है, उसके बाद हम इसकी अप्लाई कर रहे हैं। ये जेल में नहीं है, ये केकी फॉर्म में है। इसको थोड़ा सा वेट करके यूज़ करते हैं। केक लाइनर या केक जो आईब्रो कलर होते हैं तो इनको थोड़ा सा हमें वेट करना होता है, और जो जेल लाइनर होते हैं उनको बिल्कुल वेट नहीं करना होता, वो जस्ट ऐसे ही उसकी एप्लीकेशन हो जाती है। और यहाँ पर ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए वही सिल्वर शेड लिया है जो मैंने इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया था, और इसको हल्के हल्के हाथों से नीचे की तरफ हल्का सा ब्लेंड कर लेना है। ये है जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और बैड कमेंट्स हेटर्स जो हैं वो ज़रा दूर रहें मेरी पोस्ट से, बैड कमेंट्स से ग्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।